बोलिए, मोदी तो क्या हुआ, मोदी तो क्या हुआ, हक बोलिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी रशिया किया था, रशिया के लाल लाल मार्च बनाएंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इस्लाम को उसने बहुत नुकसान किया, तो उस पर बड़े बड़े उलमा इकराम ने ये कहा कि देखो ये अल्लाह का कानून है, ये कॉम्युनिज्म को ज़्यादा दिन 100 बरस तक नहीं रह सकता। वो मौसमान गनी साहब ने अब्दुल जमान ने दौर में सुना था बचपन में, और 70 साल के अंदर में रशिया टूट गया। अल्लाह ने अपना अपना कई मुल्क को अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाया। आपको क्या लगा? लेकिन हम रहते हैं ज़मीन अल्लाह का ज़मीन पर रहते हैं, हम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, कहो काफिर हो, हम काफिर से नफरत नहीं करते, उसके आइडियोलॉजी उसके अमल से नफरत करते, हम इंसान से कभी नफरत ही किया नहीं। आज अगर हम नफरत करते तो रोहे ज़मीन को ऊपर में अल्लाह के रसूल फोलते काफिर को ख़त्म कर, तो कोई भी नहीं रहता। उन्होंने कहा बताया वो काफिर अल्लाह के नज़दीक, वो काफिर उसके आइडियोलॉजी से नफरत करो और इंसानियत से मोहब्बत करो। भाई देखे, हमारा कानून जो है ना, हम इस्लाम मुसलमान है, जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब दुनिया बनाया तो दुनिया बनाने से पहले इस्लाम को पहले अल्लाह पाक ने इकट्ठा किया कि हमको क्या क्या निज़ाम को चलाना है, तो उसका कवानीन ज़मीन और आसमान को हुक्म किया अल्लाह ने, वो कवानीन को फिर जब अल्लाह ने इकट्ठा करके दुनिया में लाया, फिर जैसे जैसे लोग आए नबी के ज़रिए से, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कवानीन बताते चले गए नबी को। और ये जो अल्लाह का जो कवानीन है वो अल्लाह का है, कि इंसान बशर का कवानीन नहीं है जो इसको कोई बदल सकता है। जिस अल्लाह ने जिस नबी को भेजा था कवानीन का साथ में भेजा था, वो अपनी तरफ से नबी कोई बात ही नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया और कवानीन को हमारे हाथ में दे के लोगों को जाके कवानीन बताओ, ये मेरा हम अल्लाह है और मेरा कवानीन ये है। अब रहा बात कि जैसा जैसा हालात बदलता चला गया, मुल्क जो है बदलता चला गया, तो निज़ाम अपनी ताकत के नशे में, देखिए एक बात हमको जहन पे आज भी याद है, हमारे एक बुजुर्ग थे मौसमान गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो ज़माने दौर में उन्होंने बताया था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड भी रशिया किया था, रशिया कि लाल मार्च बनाएंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इस्लाम को उसने बहुत नुकसान किया, तो उस पर बड़े बड़े उलमा इकराम ने ये कहा कि देखो ये अल्लाह का कानून है, ये कॉम्युनिज्म को ज़्यादा दिन 100 बरस तक नहीं रह सकता। वो मौसमान गनी साहब ने अब्दुल जमान ने दौर में सुना था बचपन में, और 70 साल के अंदर में रशिया टूट गया। अल्लाह ने अपना अपना कई मुल्क को अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाया। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान जिस रुख पे जा रहा है उसको तो खैर मालूम नहीं इस्लाम के बारे में। देखिए ये जो कवानीन है इंसान का लिखा हुआ नहीं है, ये अल्लाह का है। अच्छा ये पहले बताइए, आप हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तान के कानून को क्यों नहीं मानते? हम हिंदुस्तान में रहते ज़रूर, नाम है, लेकिन हम रहते हैं ज़मीन अल्लाह का ज़मीन पे रहते हैं। हम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, कहो काफिर हो, हम काफिर से नफरत नहीं करते, उसके आइडियोलॉजी उसके अमल से नफरत करते, हम इंसान से कभी नफरत ही किया नहीं। आज अगर हम नफरत करते तो रोहे ज़मीन को ऊपर में अल्लाह के रसूल फोलते काफिर को ख़त्म कर, तो कोई भी नहीं रहता। उन्होंने कहा बताया वो काफिर अल्लाह के नज़दीक, वो काफिर उसके आइडियोलॉजी से नफरत करो और इंसानियत से मोहब्बत करो, सद वो मुतासिर हो के इस्लाम में दाखिल हो जाए। ये ला, और जो मोदी जो हरकत कर रहा है, एक बात बताइए, हमारे उलमा कराम, बड़े बड़े उलमा कराम जो हमारे मुल्क के लिए उन्होंने आज़ादी के लिए जंग किया, किसी ने न RSS ने लड़ा, ना BJP के खैर उस वक्त वजूद ने, मेरे उलमा कराम ने लोगों को उठाया कि भाई ब्रिटिश में फ़ौज में दाखिल होना भी हराम है, ये मेरे उलमा कराम ने कहा। फिर उलमा कराम ने शहादत दिया, इतनी ज़बरदस्त शहादत दिया कि चांदनी चौक से लेकर लाहौर तक एक आलमी दीन का लाश, और चांदनी चौक से लेकर लाहौर तक एक मुजाहिद मौलाना का लाश, उन्होंने कुर्बानी, तब हिंदुस्तान फतह हुआ। आज तुमको बना बनाया मिल गया, तुम कहीं देखो, तुम कौम जो लोग आपने BJP जो आइडियोलॉजी है, जिस जगह को फतह करता है उस इलाके को जला देता है, और इस्लाम जिस जगह को फतह करता है उस जगह को आबाद कर देता है। ये इस्लाम का ये थोड़ा भाई है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिया साहबा को, अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 313 साहबा को तरगीब दिया, जंग नहीं किया, उन्होंने तरगीब दिया तिजारत बता के, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बेटी है, उन्होंने पूरा समझाया, तमीज़ सिखाया। आप लोग में क्या था, आपको उस ज़माने दौर में जब मुसलमानों को हुकूमत नहीं किया था, मेरे बाप दादा जो हुकूमत, उस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी क्या था? आ उठा के दिए, इतिहास देखिए,
कोई वहां भटक रहा, कोई वहां भटक रहा, उससे शादी कर रहा, उससे लूटमार कर रहा है। इस्लाम मुसलमानों ने आके तमीज सिखाया और उसके बाद हुकूमत कायम किया। बड़े बड़े या पर हिंदू के राजपूत के बड़े बड़े उस पर चौधरी थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान को बुला के तिजारत में बताया और अपना मस्जिद पहले बना के सौत के हिंदू राजा ने दिया मुसलमान को पहले मस्जिद बना के, जो अल्लाह ने उसको हिदायत दिया। अब हमको आप जो आप अलग करना चाहते, तुम सिर्फ नफरत कर रहे हो, सिर्फ मुसलमानों से बदला ले रहे हो कि मुसलमान हमको गुलाम बनाया था, आज हम इसको गुलाम है। ये नजरिया आपका जब तक रहेगा, सिविल कोर्ट तो सिर्फ मुसलमानों देश एक कानून सभी जी 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 एक ही कानून पे अमल। अच्छा ये बताइए, आप बोलते हैं एक देश एक कानून, आप हटाइए मुसलमान की बात को, आपके जो कौम है यानी जिसको बोलते हैं दलित, जो हिंदुस्तान में 80% है दलित, आप उसको जो नीचे रखा नीचे, आप अपना मंदिर में उसको ढुका दे के दिखाइए, यूनिफॉर्म ही से शुरू किए थे ना, अपना मंदिर में उसको ढुकाइए, आप तो ढुकने नहीं दोगे। अरे आपका जो अभी इस वक्त जो सदर है, जो औरत जो बेचारी दलित है, पढ़ लिख के अपना टॉप में आई है, आप जो अपने राज्यसभा जो ओपनिंग किया, पार्लियामेंट को ओपनिंग किया, आप तो उसको दाखिल होने नहीं दिया, वहीं से तो आपने नफरत शुरू कर दिया। और अभी जो आपने नफरत किया है 2024 को हासिल करने के लिए, आप एक तो मुद्दा निकाला, जिस दिन आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफिस करेंगे, हम अभी कमज़ोर है, देखिए हम कमज़ोर है, आप समझे हम कमज़ोर है, जरूर कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर को कभी कभी अल्लाह ताला ताकत अता फरमाते हैं। आज मेरे आपने मेरे साथ जुल्म किया, मेरे मस्जिद आपने तोड़ा, हम उसको समझ के रखा, आपने मेरे पर 3 तलाक के ऊपर में आपने मेरे में कुरान को बन नुकता चीन निकाल के चंद भाड़े के मौलवी को ला के मतलब खड़ा कर दिया और इस्लाम मौलवी का, वो तो अपने आप को मुसलमानों का। अरे भाई वो तो ठीक है, वो अपने आप को समझ लेगी, उससे उस आवाम से पूछे पहले, उस मोहल्ले वाले से पूछे, ये कौम का क्या रहबर है, उसको बोले एक आवाज पे 1 लाख को जमा कर दे, है उसकी ताकत, वो तो 3,000 रुपये मीडिया से लेता है, दुनिया तो उसे मुसलमानों की। अरे भाई वो लाख भी समझे ना, अगर हम भी कह देंगे भाई कि आसमान से हम तारा को जो है तोड़ के लाए हम कलकत्ता के अंदर में, तो लोग मान लेंगे, वो सब बात नहीं होता। आप हमको पहले जो मुसलमान आके जो अपने आप को बोलते हम कौम का रहबर है, वो बिल्कुल बकवास है, वो शरीयत की बात को जानता नहीं। अरे शरीयत की बात को उलमा इकराम जानते हैं, वो है इस्लामिक कॉलर, ये नहीं है दो चार तो दाढ़ी रख लिया बैठ गया इस्लाम के बहुत जानने वाले, ना 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 जानने वाले नहीं है। अरे इस्लाम तो पाक और साफ और साफ मजहब है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप हमको ये चैलेंज कर रहे हो, आप हमको चैलेंज किस बुनियाद पे आप चैलेंज कर रहे हो, बोले एक तो वर्ड निकाल दिया, एक मर्द 4 शादी करेगा, एक ही करेगा, ये करे, ये हवा बना के 2024 में हिंदू को इकट्ठा करके आप हासिल करना चाह रहे हो, ये इंशाल्लाह आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा, आप तबाह बर्बाद हो जाओगे। जी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मामला ला रहा, जो कानून आप गोवा का कानून को आप बदल देंगे, गोवा में जो है गाय मातों का आपका गाय मातों काटता है, मणिपुर त्रिपुरा में काटता है, तो वहाँ तो आपने बंद नहीं किया, पहले उसको कंट्रोल कीजिए। आप अपना ऐप में मेरा स्टेट मणिपुर को छिपाने के लिए ये हरकत आप कर रहे हो, आप पूरे आवाम के सामने दिखाई ना भाई ये सब चीज़ को। आप हम आपको बोल दें ये सब चीज़ से ख़त्म की, हिंदू मुसलमान को एकता पैदा कीजिए, फिर देखिए मुल्क की तरक्की। आप सोचें कि मुसलमान को हम जलील करेंगे हैं और इस तरीके से मुसलमान को ये करेंगे हिंदू वोट भी दिए, कभी ख्वाब पूरा नहीं होगा। अर्षा साहब, आप मणिपुर जानते, ममता बनर्जी एक औरत है, वो अपने हुकूमत अपना बचाने के लिए, सीट बचाने के लिए बीजेपी को मुँह तोड़ जवाब देती नहीं है, वो भी वो जब भी राज्यसभा में कोई बिल पास करता है वो उठ के बैठ खड़े हो जाती है, हम इसको बाइकट करने में उसको हमने उसको बढ़ावा दिया। आप उसको बोलो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आज तुम्हारी हुकूमत को बचाने के लिए मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं, आज मुसलमान कुर्बानी दे रहा है तुम्हारे हुकूमत को बचाने के लिए, आप हमको बोलते हो क्यों गद्दार बोलते हो। हम लोग हर जगह हम लोग जो अपने मुल्क के लिए हम लोग फ़ायदा किया हर जगह और इंशाल्लाह देते भी रहेंगे। हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं अपने हिंदुस्तानी को एकता को बरकरार रखे और कट्टरपन जो है कट्टरपन RSS है BJP है ये जहनीत को ख़त्म करे, वरना ऐसा ना हो आपने आग लगाए बुझाएंगे इंशाल्लाह हम। याद रखना बात को, कभी पानी पे कश्ती, कभी कश्ती पे पानी, जब कश्ती में पानी आ जाता है तो तबाह बर्बाद हो जाता है, पानी को कश्ती रहता है तो मंजिल तक सही जाता है। तो आपसे गुजारिश करते हुकूमत वक्त से ये चीज़ को ख़त्म करे और सीधा सीधा मुद्दा मुल्क का तरक्की कैसे वो बात हर वक्त चैनल में जब से बाबरी मस्जिद टूटा मुसलमान 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 मुसलमान, ये अच्छा चीज़ है, इसको ख़त्म करें। देश तरक्की, देश तो विकास के रास्ते पर चल, कोई तरक्की की बात ही नहीं करता। बताइए आपने कहा 2 करोड़ आवाम को हम जो है नौकरी दें, कहाँ नौकरी मिला, कुछ नहीं मिला, ख़त्म।
ऑलरेडी ये ख़त्म अंधकार पे जा रहा है। आज देखिए आपने मुसलमान इस्लाम, आज देखिए ज़मीन के ऊपर में क्या हो रहा है। अल्लाह ने ज़मीन को आसमान को हुक्म कर दिया, तबाह बर्बाद हो रहा पानी का जरिए पूरा दुनिया। और एक बात सुनो, आखिरी बात, मुसलमान का कोई मुल्क नहीं होता है, मुसलमान का कोई कंट्री नहीं होता, मुसलमान का पूरे रोहे ज़मीन होता है। जहाँ चाहेगा मुसलमान अल्लाह की इबादत करेगा। हुकूमत करने के लिए नहीं आया मुसलमान, बल्कि अदल इंसाफ करने का नाम मुसलमान इस्लाम है। हुकूमत 2024 हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह बीजेपी ख़त्म होगा। याद रखना बात तो यह पूरी आवाम जान चुका है, जब भी सुबह उठो तो हिंदू मुसलमान, हिंदू में विकास का बात ही नहीं होता है। देख लीजिए आप उठा के, आप लोग तो मीडिया वाले, आप लोग देखिए, आप लोग कभी सवाल जवाब किया हुकूमत वक्त से कि भाई हमारे मुल्क के अंदर में जो तरक्की होगा, हिंदू मुसलमान भाई भाई का जो नारा लगा दी, सब ढकोसला है। देखिए बाग का फूल वही कहलाता है जो हर कलर का फूल रहता है। आप एक कलर का फूल को सोचिएगा बाग होगा, ये बाग नहीं होगा, ये तबाह बर्बादी है। आप तमाम हिंदुस्तानी आवाम से गुजारिश करते हैं कि हम तमाम लोग हिंदुस्तान का तरक्की के लिए एक होके खड़ा हो कि कैसे तरक्की हो, भाईचारा हो। आज भी हमारे इलाके के अंदर में, हमारी यूपी बोले देहात के अंदर में हिंदू मुसलमान सब पंचायत में, हिंदू की तादाद ज़्यादा है, मुसलमान पंचायत कर हक कर जाकर देखिए। आप मीडिया वाले तो पहुँचेंगे नहीं, बस जो बोल दिया जराए से, हाँ जराए से पता चला, सूत्रों से पता चला, ये सब बकवास है। हकीकत का दुनिया में आए फिर देखिए इंशाल्लाह मुल्क की तरक्की क्या होता है। हक बोलिए, मोदी तो क्या हुआ, मोदी तो क्या हुआ, हक बोलिए।